है, जिनको जो प्रॉब्लम आता है आप लोग के पास कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, ठीक है, आप डायरेक्ट क्लास कर सकते हैं। लाइव क्लास आप करने में जो मजा है ना, रिकॉर्डिंग क्लास करने में मजा नहीं, अभी आप डायरेक्ट हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे हम बात करेंगे, आगे से बात करेंगे, ये जो है सर, ये एक बार और इसके बारे में, लाइव क्लास चल रहा है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में, ये क्लास जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिनको छूट गया है, जिनको जो लेट से इसमें आए, तो उनको दिक्कत टेंशन नहीं लेना है, जो लेट से इसमें लाइव क्लास जुड़े हैं उनको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास आपके एप्स में, जो आप जो क्लास करेंगे आपके क्लास रूम में जो एप्स है उसमें रिकॉर्डिंग क्लास जो है ना उसमें एड रहेगा, ये तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जब से आए तब से आप समझिए, बाकी एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको पता है कि पैमाइश जो करता है ना उसको बुकिंग सिस्टम चलता है, एक एक हफ्ता पहले, क्या एक एक हफ्ता पहले उसके पास व्यक्ति सब नंबर लगा के, नंबर बोले तो यानी वो बुकिंग करा के जो है ना पैसा एडवांस करके रखते हैं, और वो अपने हिसाब से अपने टाइम से उसका पेमेंट करने का डेट टाइम देता है, समझ गए। वो किसी के अंदर नहीं रहते हैं, वो फ्री रहते हैं, यानी वो अपने हिसाब से जीते हैं, उनके अंदर मतलब उस पर कोई दबाव नहीं होता है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप लाखों रुपया मंथली कमा सकते हैं। बोलिएगा सर कैसे? सर मंथली मतलब मंथली जो है बोले लाखों रुपया कैसे कमा सकता है, तो आपको पता नहीं होगा। अगर आप ये विश्वास हम पे नहीं करते हैं तो आपको अच्छा से ये पता नहीं होगा कि आपके एरिया में जो अमीन है, जो पैमाइश करते हैं, वो एक पैमाइश का कितना लेते हैं। और डीप में जाइएगा तो आप उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जानिएगा कि इसका काम किस प्रकार चलता है, तो आपको अच्छा से पता लगेगा कि इनके पास महीना 15-15 दिन पहले ही व्यक्ति नंबर लगाते हैं और एडवांस में भी इसको मिलते हैं और इनका काम का कोई कमी नहीं। ऐसा ऐसा सीजन आता है गर्मी के माह में, ठीक है, जिसमें पानी बरसात वरसात नहीं, तो उसमें वो जो है करने वाले जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं पैमाइश में कम समय लेते हैं, पैमाइश करने में कम समय लेते हैं, और जब भी समझ में आता है सटीक और सही पैमाइश वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया। तो वो सब क्या करते हैं, एक मंथ में, जो मेरे जानकारी में एक मंथ में 5-5 लाख रुपया एकदम आसानी से कमा लेते हैं, 5-5 लाख रुपया। और अब वो ढिंढोरा जाके नहीं पीटेगा कि हम 5 लाख रुपया कमाते हैं, 5 लाख रुपया कमाते हैं। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो भी अमीर कमाते हैं वो एकदम साइलेंट रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर थोड़ा डर भी है कि हम अगर ये चीज को, अच्छा आदमी जानता है, सभी कुछ ना कुछ आदमी जानता है, लेकिन सभी व्यक्ति नहीं जानते। तो जब वो जानते कि अगर मेरे बारे में, मेरे इनकम सोर्स के बारे में, मेरे इनकम के बारे में अगर सामने वाले को पता चल जाए, तो वो भी क्या करेगा, इस पे पूरे ताकत लगा देगा, क्या करेगा, पूरे ताकत लगा देगा इस चीज में आने के लिए, वो अच्छे अमीन बनने के लिए पूरे ताकत लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जॉब में भी इतना पैसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में भी इतना पैसा नहीं है, बशर्ते एक आप अच्छा अमीन के रूप में उभर के आएंगे तो, ठीक है, अच्छा अमीन के रूप में उभर के आएंगे तो लाखों रुपया छापेंगे, लेकिन फिर भी आप एवरेज रह जाते हैं, यानी औसत रह जाते हैं, फिर भी सारा हुआ अमीन बोले तो कमजोर से कमजोर, कमजोर हमें जो कैलकुलेशन आता है, छोटा छोटा बात को जानता है, वो भी उनका चार्ज एकदम मतलब बहुत कम लेगा, 1500 इससे ऊपर ही रहता है। और एक दिन में दो, एक कोई एक पेमेंट कर सकता है, कोई दो करते हैं, तो उनको भी 3000 रुपया रोजाना कमाएंगे, ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नहीं जाते हैं, इनको मतलब सभी व्यक्ति भेड़ चाल में लगे हुए हैं, सब कंपटीशन में लगे हुए, झंझार के पूरा कंपटीशन में लगे हुए, और कंपटीशन की हो रहा है, आपको पता है कंपटीशन में जो है, कंपटीशन का तैयारी करते हैं, अगर आपको जॉब नहीं होता है, एज एक्सपायर कर जाता है आपका, तो आपका
रोजगार का संभावना सीधे हो जाता है 1 से 2%। क्या हो जाता है 1 से 2% एजुकेशन क्षेत्र में। क्यों? आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं या तो कोई प्राइवेट जॉब नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते। लेकिन इस क्षेत्र में आते हैं, अगर आप इस क्षेत्र में आते हो, इस क्षेत्र में अगर गवर्नमेंट जॉब हो ना हो आप करेंगे भी नहीं। अगर अच्छा आप प्राइवेट हमी के रूप में आप उभर के आ गया और अच्छा खासा पैसा कमाने लगे तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। आपको अगर बोलेगा भी आओ ले जाएगा जबरदस्ती तो आप नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट हमीन में लाखों रुपया कमाए है, सरकारी हमीन में एक फिक्स सैलरी है, उसमें ही आपको जीना है, उसी को पकड़ के रखना है, वहां पे आउट इनकम नहीं है। लेकिन इसमें आउट इनकम तो छोड़िए, तो बाद वाली बात है, इसमें इनकम ही इतना है कि आप उतना पैसा, मतलब ये सिंपल बात, उतना पैसा एक बार आप देख लिए ना तो फिर आप डूबने वाले हैं। जो पैसा देख लिया इस क्षेत्र में रुकने वाले नहीं है, वो हर वो काम करेगा जो इस चीज में जरूरत है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरे फोकस के साथ कीजिए और हर एक चीज को जब क्लास में पढ़ाया जाता है उसको सीखिए, समझिए, उसको डिस्कस कीजिएगा। डिस्कस करने का भी तरीका है, जैसे हम पढ़ा दिए, जब हम पूछेंगे कि आप लोगों को क्या प्रश्न है, आप लोगों को क्या क्वेश्चन है, तब जाके आप बोलिएगा। ये नहीं कि अब हम बता ही रहे, वो आगे आएगा ही और वो शब्द आप पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं। जब हम नहीं बताएंगे वो चीज, उस चीज के बारे में हम बताएंगे, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और ये जितने भी आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में प्रश्न आएगा, जो भी प्रश्न आएगा, ये प्रश्न सब यहाँ पे आएगा और उसको हम आंसर करेंगे, यहाँ पे उसको सोल्व करेंगे और आपका हर एक डाउट या प्रॉब्लम सब सोल्व हो जाएगा। इसलिए इस क्लास में आप लोग जब हम कुछ बताते रहे तो बीच में नहीं बोलिएगा, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बात हम आगे अगला स्टेप में बताएंगे, ठीक है। तो इतना समझे, आज हम इस अमीन की क्लास में जो है आज हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, उसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। क्यों? अगर हम जिस रास्ता पे चल रहे हैं उसका तो मैप ना चाहिए, जिस रास्ता पे हम चलेंगे उसके पहले मैप चाहिए। जब मैप आपको पता रहेगा तब जाके वो क्या करेंगे, आप आसानी से जा सकते हैं, यानी आपको रास्ता मिलेगा एक प्रकार से। नहीं तो आप ऐसे बोलेंगे क्या सर पढ़ाएंगे, इसमें क्या आता है, कुछ नहीं, सीधे मतलब क्या पढ़ा रहे। अगर कोई भी व्यक्ति अदर चीज ही पढ़ा रहे बोल देगा कि इसमें ये भी सिलेबस आता है, तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, उससे पहले सिलेबस जाना अति आवश्यक है, ठीक है। तो आज ये अमीन के बारे में जाने, अमीन का कर्तव्य क्या है, अमीन का फायदा क्या है, ठीक है, अमीन का क्या फायदा, हम सिंपल सी बोलेंगे। इस क्षेत्र में अगर उतरते हैं ना, इसमें स्कोप बढ़े, गांव में अपने घर पे रह के ही लाखों कमा सकते हैं, इसमें इतना स्कोप है। इसलिए आप इस क्लास को फोकस से करिए और हर एक चीज को समझिए, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक, आएगा जो भी प्रॉब्लम आएगा, आप जो है तीन से चार जो व्यक्ति हमसे लाइव क्लास करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट है, उनके लिए 3 से 4 एक समय रखें, जो भी प्रॉब्लम है आप कॉल करके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, ऐसे आपका कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। हर सारा एक एक प्रॉब्लम, आपका एक एक प्रॉब्लम इसी लाइव क्लास में डिस्कस के साथ सोल्व हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, बस रहेगा तो एक ही चीज रहेगा, आपका प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल जो बताएंगे उसको बार बार पढ़ेंगे, जो सवाल मैथ का रहेगा उसको बार बार बनाएंगे, उसको अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ नया ट्रिक्स बनाएंगे, जितना दिमाग हो उसमें झोंक देना है, पूरा का पूरा जितना ही फोकस उसमें डाल देना है, जिससे क्या होगा आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे और बेहतर तरीका से एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आए हैं तो ये नहीं सोचेगा सिर्फ हमको जानना है, ठीक है, हमको जानना है, यहाँ पे ऐसे पढ़ना है कि कोई भी व्यक्ति सामने वाले कुछ पूछे तो आप ऐसे उनको बताएं, ऐसे बताएं तो उनको याद रह जाए मस्तिष्क में, दिमाग में। टैटू आपको पता है, टैटू जो है अगर मान के चले यहाँ पे लगा दे, मार लगवा ले, यानी टैटू छपा ले, फिर मिटेगा नहीं। उसी प्रकार उस व्यक्ति से ऐसे उसको जवाब देना उतने अच्छे से, दिमाग में टैटू बन जाए उस वर्ड का, उस चीज का, आपका जो जो नॉलेज उसको आप दिए हैं या उस नॉलेज पे बात किया तो मस्तिष्क में टैटू बन जाए। जो कभी नहीं शरीर पे टैटू बनता है तो आदमी को ध्यान भी नहीं जा रहा, मस्तिष्क उसके मस्तिष्क में बना देंगे ना, उसको हर हमेशा दिमाग में ही रहे।
तो ऐसे जवाब देना है कि दिमाग में जाके टैटू बन जाए, यानी दिमाग में पूरे वो फिक्स हो जाए। चलिए ठीक है, आगे बात करें।